तो पैसे भी कमाना चाहते हो और गाड़ी भी लेना चाहते हो और रेंज भी ज़्यादा चाहिए आपको, तो आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं यार ये OSM की तरफ से आने वाला एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें आपको 500 तक की, यहाँ पर 550 तक आप इसमें लोड भर सकते हैं और साथ में पैसे कमा सकते हैं, 2000 रुपये कम से कम दिन के आप इससे आमदनी निकाल सकते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक ऑटो देख रहे हैं या फिर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं तब आपके लिए एक इलेक्ट्रिक जो ये रिक्शा है, ये इलेक्ट्रिक जो फाइव है, इसमें आप 550 तक का KG तक का सामान रख के ले जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी पर्पज से ये व्हीकल लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आइए एक एक करके इसकी खूबियाँ हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम आपको इसका मॉडल दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लुक देखिए, फ्रंट से आपको एक हैवी वाला लुक यहाँ पर देखने पर मिलेगा। फ्रंट का आप डिज़ाइन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाला है इस व्हीकल का डिज़ाइन। साथ में यहाँ पर सड़कों से भी ऊंची होने वाली है, तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको चला रहे हैं तो यहाँ पर 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है, यानी कि सड़कों से ऊंची होने वाली है। और यहाँ पर पहले लुक्स दिखा देते हैं, उसके बाद जैसा कि यहाँ पर लिखा है रेंज गो प्लस, तो रेंज भी इसकी बताते हैं हम आपको। ये जो गाड़ी है, ये जो आप देख रहे हैं व्हीकल, ये लोडिंग व्हीकल आपको लगभग 95 से 100 किलोमीटर तक चल जाएगा और 120 भी चल जाएगा, यानी कि आप जैसा चलाएंगे उस हिसाब से जाएगा, लेकिन 120 तक कंपनी एश्योर करती है। और यहाँ पर देखिए टायर वगैरह दिखा देते हैं हम, हाइड्रोलिक सस्पेंशन यहाँ पर होने वाले हैं। एक बार हम आपको इनके टायर का साइज दिखा देते हैं, तो यहाँ पर आपको एक 10 इंची की यहाँ देख सकते हैं आप टायर, यहाँ पर 4.50 कुछ इस तरीके से होने वाला है। सस्पेंशन की क्वालिटी बढ़िया है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक चौड़ा यहाँ पर मडगार्ड आपको देखने के लिए मिलेगा जो काफ़ी चौड़ा होने वाला है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट्स हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रिप लगी है, यहाँ पर वाइजर है। और साथ में एक बार हम आपको पहले कैबिन दिखा देते हैं, मजबूती देखिए कितनी है, यहाँ पर देखिए लोहे की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया होने वाली है। और साथ में यहाँ पर आप जैसे चार्जर देख रहे हैं तो आप इसको 3 से 4 घंटे में घर पर चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर चाबी लगाइए और यहाँ से आपका भैया हो जाएगा मीटर ऑन। तो यहाँ पर देखिए मीटर हमने ऑन कर लिया और मीटर में क्या क्या बता रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको चार्जिंग बता देगा, यहाँ पर आपको रेंज बता देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्पीड बता रहा है यहाँ पर न्यूट्रल, यानी कि यहाँ से आप इसकी बटन की यहाँ से ये है रिवर्स कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। साथ में यहाँ पर न्यूट्रल है, फॉरवर्ड है और यहाँ पर बूस्ट है, यानी कि 4 मोड्स हैं। यहाँ से आप इसकी पार्किंग की लाइट्स ऑन कर सकते हैं, अपर डिपर है और यहाँ से इसका जो वाइपर है ये आपका ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कंट्रोलिंग बढ़िया होने वाली है। और यहाँ पर बटन में क्या क्या दिया है, तो जैसे कि अपर डिपर है, यहाँ से हॉर्न है हम आपको दिखा देते हैं, हॉर्न है, इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पर केबिन में लाइट्स भी लगी है, तो केबिन की लाइट भी आप यहाँ से देख सकते हो, ऑन कर सकते हैं। और साथ में मीटर के फंक्शंस आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, एक स्ट्रिप यहाँ पर लगी है। साथ में केबिन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाला है। और लेग रूम हम एक बार आपको, एक मिनट बंद करके एक बार हम आपको लेग रूम दिखा देते हैं, तो बंद कर लें, देखिए लेग रूम देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेग रूम होने वाला है। नीचे यहाँ पर ब्रेकिंग का सिस्टम है यहाँ पर और कंट्रोलिंग बढ़िया है। साथ में यहाँ पर आप चाबी लगा के इसको ऑन कर सकते हैं। और एक बार हम आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप अपनी बॉटल भी रख सकते हैं बॉटल, और साथ में सीट हम आपको दिखा देते हैं, तो जो सीट है वो यहाँ पर देख सकते हैं आरामदायक होने वाली है। साथ में यहाँ पर आपको पीछे टिकने के लिए भी यहाँ कुछ इस तरीके से दिया है कुशन, और दो लोग मतलब एक को भी आप बिठा सकते हैं साथ में, थोड़ा सा स्पेस भी यहाँ पर और है। और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर छोटी सी विंडो है, एक बार हम आपको दिखा देते हैं पूरा ऊपर का केबिन, यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाला है इसका केबिन यार। तो स्पेस है केबिन में, ऐसा नहीं है कम स्पेस है, स्पेस अच्छा है केबिन में, लेग रूम भी ठीक है। और यहाँ पर आपको स्टेपनी रखने के लिए मिल जाएगा, तो स्टेपनी आपकी यहाँ पर रखी हुई है। और साथ में चार्जिंग कैसे होती है, तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग अभी गाड़ी लगी है तो वो हम आपको दिखा ही देते हैं कि आखिर चार्जिंग होती कैसे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये चार्जिंग का सॉकेट लग जाएगा आपका, और यहाँ से आपका चार्जर लग जाएगा, और नीचे से ये जो प्लग जाएगा यहाँ से, तो मतलब इसमें केबल भी बड़ी मिल जाती है, तो अगर आपको मतलब दूर भी है चार्जर तो केबल बड़ी है तो आप इसको लगा सकते हैं। एक बार हम दिखा देते हैं कि ये लगता कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए साथियों ये है, तो आप इसको इजीली यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको इजीली लगा सकते हैं, क्लिप ऐसा हो जाएगा डायरेक्ट, देखिए यहाँ से निकल जाएगा, अभी चार्ज लगा है इसलिए हम इसको नहीं निकालते हैं, इसको हम लगा देते हैं डायरेक्ट, है ना, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा। और साथ में यहाँ पर हम आपको सस्पेंशन दिखा देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देखिए। तो अगर आप ज़्यादा भी लोड ले जा रहे हैं तो सस्पेंशन की क्वालिटी बढ़िया है, रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी चला रहे हैं
तब भी आपको दचके और गड्ढों में गाड़ी अनबैलेंस नहीं होगी और साथ में गड्ढे और दचकों में आपकी कमानी वाली दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। और साथ में यहाँ पर देखिए चेसी, देखिए इसका काफ़ी मजबूत चेसी होने वाला है। यहाँ देख सकते हैं आप प्रॉपर लोहे का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी बिल्ट की क्वालिटी है जो हमें काफ़ी ज़्यादा पर्सनली देखने पर अच्छी लग रही है। साथ में यहाँ पर टायर दिखा देते हैं हम आपको, तो यहाँ पर आपको एक ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप टायर का साइज़, यहाँ पर 10 इंची का टायर होने वाला है, ट्यूबलेस टायर होने वाला है, रिम व्हील के साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में हम एक बार आपको इसका पीछे का लुक दिखा देते हैं, साथ में यहाँ पर पीछे स्पेस दिखा देते हैं एक बार खोल के। तो अंदर देखिए साथियों काफ़ी सारा स्पेस है, 550 किलो तक आप इसमें लोडिंग रख सकते हैं। तो कोई किसी भी पर्पज़ से आप इसको ले रहे हैं, चाहे फिर आप इसको पोर्टर में लगाएं या फिर आप इसको इससे दूध का मतलब डेयरी वगैरह का भी काम करें, लॉजिस्टिक का काम जैसे ई कॉमर्स का काम चल रहा है, अंडे का काम, या किसी भी प्रकार की लोडिंग जो है, तमाम प्रकार की लोडिंग आप इसमें कर सकते हैं। देखिए बॉडी, देखिए ऊपर से नीचे तक पूरी मजबूत आपको लोहे की बॉडी इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। और कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा गेट बंद और यहाँ से हो जाएगा लॉक। तो ये चीज़ है साथियों, एक बार हम आपको इसकी मोटर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मिड मोटर है, ये आप देख सकते हैं जो पीछे से ही आपको विजिबल होगी, काफ़ी पावरफुल मोटर है, 350 Nm तक का आपको टॉर्क दे देगी। यहाँ देख सकते हैं आपको जिस तरीके से मोटर है और चेसी है जो क्लियरली विजिबल है, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी मोटर आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगी। साथ में यहाँ से ये रियर व्हील ड्राइव है, तो यहाँ पर ही दोनों ही जो टायर हैं उनसे ये मोटर डायरेक्ट ही मूव करती है, तो पावर बढ़िया होने वाली है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसमीटर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हैं और 45 तक की इसकी आपकी स्पीड पकड़ लेगी क्योंकि ये सिटी पर्पज़ से व्हीकल होता है, सिटी में ही ज़्यादातर आप इसका मतलब सिटी से लोडिंग व्हीकल मतलब सिटी में इसका यूज़ करें तो बेटर है। और यहाँ पर आपको इसमें और भी मॉडल देखने के लिए मिल जाएंगे कंपनी में, तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर रेंज प्लस स्वैप, यानी कि इसमें आप स्वैप भी कर सकते हैं। एक ये रैपिड प्रो मॉडल है और यहाँ पर स्ट्रीम, और ये तो खैर ऑटो का है, और ये PV, ये आपका जैसे कचरा गाड़ी वाला है, रेंज टीपर है ना। तो और ये इनके हम आपको एक बार दिखा देते हैं, मजबूत वाहन, ये सारी ही चीज़ें जो हैं, अधिकतम गति, लिथियम आयन बैटरी, कम कंपन यानी कि वाइब्रेशन कम होगा, लंबी रेंज यानी कि 120 किलोमीटर तक की, और जो 120 तक की रेंज है ये ट्रू रेंज कंपनी यहाँ पर मुहैया कराती है आपको, तो ये बड़ी बात है साथियों। बॉडी अच्छी है और साथ में लुक्स भी बढ़िया है और डिज़ाइन आपके सामने है। खैर और कलर कौन कौन से हैं, तो चार कलर वैसे तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एक ये भी है। तो इसकी थोड़ी सी ऊपर से बॉडी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाली है। तो ये रेंज प्लस है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये है रेंज प्लस इनका, यहाँ पर लिखा भी है सारी इसके स्पेसिफिकेशन, ये आप पुश करके पढ़ सकते हैं यहाँ पर जो भी है। और ये स्वैप वाला मॉडल है, यानी कि सारे ही मॉडल के सामने यहाँ पर इनकी जो फीचर वगैरह हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और काफ़ी सारे और भी इसमें व्हीकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, फिर चाहे हम ऑटो की बात कर लें तो काफ़ी सारे ऑटो वगैरह भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो ऑटो है ये आपको 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, तो अगर इसका भी वीडियो देखना है तो आई बटन में ऊपर आपको देखने के लिए इसका वीडियो मिल जाएगा। खैर आपको ये व्हीकल कैसा लगा लोडिंग वाला कमेंट में ज़रूर बताना मित्रों। आज के लिए इतना ही यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।